Good morning, dear student. Now, today we will discuss about new topic, that is the DNA replication. How DNA replicate? DNA कैसे replicate होता है? ये हम आज देखने वाले. अब यहाँ पे सबसे पहले this we are discuss about the molecular basis of inheritance. ये chapter हम देख रहे हैं. उस chapter में एक topic है. कौन सा? DNA replication. In earlier period, already learn about the how न्यूक्लियोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड डीएनए पैक इनसाइड द स्मॉल न्यूक्लियस. देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीएनए और डीएनए रिप्लिकेशन. व्हाट इज डीएनए? व्हाई दैट डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल. डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, विच इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मतलब वो पेरेंट से कहां पे ट्रांसफर होगा? पेरेंट से न्यू जो यंग वन होता है, न्यू जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है. मतलब कैरेक्टर, ट्रेड, ये सभी जो पार्ट है ये इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अब नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं डीएनए रिप्लिकेशन. अब डीएनए रिप्लिकेशन क्या प्रोसेस है? डीएनए कंट्रोल रेगुलेट ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ सेल. हमने देखा है, सेल साइकोलॉजी में देखा है या सेल स्ट्रक्चर में देखा है हमने कि अगर ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल, कोई भी सेल, बराबर, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, वहां पे क्या होता है? हाईली इवॉल्व, मतलब यूकैरियोटिक सेल अगर है तो वहां पे क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड एक पार्ट होता है, दैट इज द न्यूक्लियस. बराबर, ये न्यूक्लियस है. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इसके अंदर क्या दिखता है हमें? क्रोमोसोम. न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होते हैं? इनसाइड दैट इज द प्रिंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. द आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे. इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियो प्लाज्म प्रेजेंट होता है, वॉटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे इसके अंदर एक कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज द क्रोमोसोम. उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. अब ये सभी कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर है. हमने क्या बोला है? न्यूक्लियस कंट्रोल ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ सेल. सेल की जो एक्टिविटी है ये कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. कैसे न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा? बिकॉज इनसाइड दैट न्यूक्लियस इज अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए. मतलब क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होता है. ये अगर क्रोमोसोम है तो इसके अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट है. ये डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? और डीएनए क्या है? डीएनए इट एक्ट एज ए, डीएनए इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होगा? विच इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन. अब यहाँ पे जब इनहेरिशन प्रोसेस होती है, इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर डीएनए से, डीएनए रिप्लिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब फॉर यहाँ पे हम देखेंगे यूकैरियोट्स में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे सिमिलर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर पेरेंट सेल, क्या है ये? पेरेंट सेल, मतलब ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल है, तो देन न्यूक्लियस. बराबर, ये न्यूक्लियस. अब ये कौन सी सेल है? पेरेंट सेल. बराबर, जब मैच्योर होता है तब क्या होगा? यहाँ पे सेल डिवीजन प्रोसेस होती है, ये हमने देखा है लास्ट ईयर में. अब यहाँ पे जब सेल डिवीजन प्रोसेस होती है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए जो होता है वो क्या होता है? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है. बराबर, कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब ये न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड होगा लाइक दैट. बराबर, ये प्रोसेस हम देख रहे हैं यहाँ पे. देखो, ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे क्या होगा? ये सेल, उसके बाद ये क्या होगा? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा लाइक दैट. अब न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड होता है. बराबर, देन न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐसे दिखता है, यहाँ पे सेल भी डिवाइड होगी, स्टार्ट होगी डिवाइड. बाद में क्या होता है? ये जो पॉइंटर है ये कंप्लीट डिवाइड होगा. डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या होता है? दो अलग अलग सेल फॉर्म. बराबर, अब यहाँ पे दो सेल फॉर्म इंडिपेंडेंट. बराबर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एक पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म. बराबर, सिमिलर कंपोनेंट कंटेनिंग. बराबर, यहाँ पे जो डीएनए है वो डीएनए क्या है? ये इनहेरिट होगा यहां से, पेरेंट सेल से कहां पे? डॉटर सेल में. ये डॉटर सेल, ये दोनों जो सेल्स है ये कौन से सेल्स है? डॉटर सेल्स.
मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन से जो पेरेंट है उसमें पोटेंशियल एबिलिटी है डिवाइड होने की, और ये क्या करता है, खुद की मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, बराबर। दैट इज द दैट प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन प्रोसेस, और न्यू यंग वन फॉर्मेशन की प्रोसेस भी इसे हम कह सकते हैं। जब न्यू यंग वन फॉर्म हुआ मतलब इसका डीएनए क्या हो गया, इस पेरेंट सेल से डीएनए कहां पे आ गया, डॉटर सेल में आ गया। अगर डॉटर सेल में डीएनए आ गया मतलब डीएनए में कौन सी एबिलिटी है, डीएनए रिप्लिकेशन की एक प्रोसेस वहां पे, मतलब न्यूक्लियस क्या करता है, एक्टिविटी भी कंट्रोल करता है सेल की, और उसमें पोटेंशियल एबिलिटी होती है कौन सी, सेल डिवीजन की, मतलब पेरेंट सेल से वो डॉटर सेल भी क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। अब यहां पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट है वो क्या होगा, इक्वल, यहाँ पे डीएनए कंटेंट जो होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा दो पेरेंट सेल, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस है मियोसिस है, इसके ऊपर टोटली क्या होगा ये डिपेंडेंट रहेगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है सेल रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए और डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस का, देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं इक्वली टू द डॉटर सेल कैरियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए हैज टू परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब हमने देखा है डीएनए क्या कर रहा है, पेरेंट सेल से, ये पेरेंट सेल है उससे क्या होता है, दो डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म हो, दो डॉटर सेल फॉर्म, ये पेरेंट वन और यहाँ पे क्या होगा ये डॉटर सेल। अब पेरेंट से डॉटर सेल में क्या होगा, डीएनए ट्रांसफर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए हैज टू परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, डीएनए के दो फंक्शन इंपॉर्टेंट, कौन से दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, किसके बेसिस पे, ये डिवाइड होता है डॉटर सेल फॉर्म होता है डीएनए रिप्लीकेट होता है, इसके बेसिस पे इसके दो फंक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दिया है यहाँ पे हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन, कौन सा हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन, सेकेंड ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। अब हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन और ऑटो कैटालिटिक फंक्शन हम साइमल्टेनियसली देखेंगे। अब हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन मतलब व्हेन डीएनए डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, सच फंक्शन एज फॉर सच फंक्शन ऑफ डीएनए इज नोन एज हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। व्हेन डीएनए डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे यहां पर हमने पेरेंट सेल बताया था वैसे यहां पर डॉटर सेल, बराबर यहां पर जो डीएनए है वो क्या होता है डॉटर सेल में भी ट्रांसफर हुआ, बराबर। लेकिन यहां पे क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शन, डीएनए के फंक्शन के बेसिस पे, व्हेन डीएनए सिंथेसाइज अदर देन सिमिलर सब्सटेंस और व्हेन डीएनए डायरेक्ट सिंथेसाइज ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, मतलब जो यहां पे डीएनए है तो डीएनए सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन डीएनए के अलावा अगर वो डीएनए दूसरा कंपोनेंट अगर सिंथेसाइज कर रहा है दैट इज नोन एज हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ये डीएनए है बराबर, ये डीएनए है, ये डीएनए सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में जो डीएनए है यहाँ पे पेरेंट में जो डीएनए वो डीएनए यहाँ पे आ रहा है डॉटर सेल में आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे ये डीएनए तो फॉर्म करता ही है, उसके अलावा अदर देन दैट डीएनए मॉलिक्यूल मतलब खुद के जैसा सब्सटेंस तो फॉर्म करता ही है डीएनए, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे अदर देन इट्स ओन डीएनए, डीएनए के अलावा अगर दूसरा कंपोनेंट अगर वो सिंथेसाइज करता है दैट इज नोन एज हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। अब हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब डीएनए क्या कर रहा है, ये डीएनए क्या कर रहा है यहाँ पे विच सिंथेसिस अदर सब्सटेंस देन द डीएनए, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस यहाँ पे सिंथेसिस कर रहे हैं। अब अदर सब्सटेंस मतलब, अदर सब्सटेंस मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये अगर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम जो होते हैं, अब हम डीएनए जो बोलेंगे डायरेक्ट हम यहाँ पे डीएनए, ये डीएनए जो है हेलिक्स पैनल में होता है, तो ये डीएनए बाद में स्प्लिट होगा इन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करता है, कौन सा स्ट्रैंड फॉर्म करता है, दैट इज द एमआरएनए, मतलब डीएनए में कौन सी एबिलिटी है, और डीएनए विच पजेस डीएनए
possess capacity for the formation of or ability to for the formation of mRNA. mRNA formation process की ability किसमें? DNA. DNA में ability मतलब ये क्या हो रहा है? हेटरोकैटालिटी क्यों बोल रही है? हेटरो मतलब different. ये DNA के अलावा दूसरा अगर केमिकल कंपाउंड बना रहा है तो उसे बोलेंगे हम हेटरोकैटालिटिक फंक्शन. DNA क्या फॉर्म कर रहा है? DNA में पोटेंशियल एबिलिटी किसकी है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. एंड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस DNA ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन भी फॉर्म कर सकता है और mRNA भी फॉर्म कर सकता है. मतलब अदर सब्सटेंस हुआ ये DNA के अलावा, दैट इज नोन एज हेटरोकैटालिटिक फंक्शन. उसे बोलते हैं हेटरोकैटालिटिक फंक्शन. देन सेकेंड वन दैट इज द ऑटोकैटालिटिक फंक्शन. अब ऑटोकैटालिटिक फंक्शन में क्या होगा? DNA possess capacity to replicate. मतलब DNA में कौन सी कैपेसिटी है? DNA responsible for the formation of new DNA. मतलब यहाँ पे when DNA direct the synthesis of DNA itself, then such function of DNA is called autocatalytic function. अब यहाँ पे देखो ये DNA है, ये DNA क्या कर रहा है? खुद के जैसे multiple copies form कर रहा है, similar copies form कर रहा है, that is the DNA. DNA सिंथेसिस कर रहा है. अगर यहाँ पे इमेजिन करो इस सेल में ये न्यूक्लियस है, बराबर है? ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल में जनरली प्रोसेस होती है, इसमें इस सेल के अंदर पहले अगर DNA 2C है, कितना 2C है DNA, बाद में क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में जब ये फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, सिंथेसिस होगा, इसका साइज वॉल्यूम बढ़ेगा और यहाँ पे 4C होगी. मतलब DNA की क्वांटिटी क्या हो गई? यहाँ पे 2C थी, यहाँ पे क्या होगी 4C, मतलब डबल होगी. DNA की क्वांटिटी क्या हुई है? डबल हुई है. अब DNA की क्वांटिटी डबल हुई मतलब क्या हुआ? DNA सिंथेसिस हुआ, यहाँ DNA फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज रिप्लिकेशन ऑफ DNA और सिंथेसिस ऑफ DNA, दैट इज नोन एज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन. मतलब DNA पजेस कैपेसिटी फॉर द सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ DNA. DNA में सेकेंड पोटेंशियल एबिलिटी भी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA, दैट इज नोन एज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन. उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शन, DNA के फंक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में से डिवाइड किया. फर्स्ट ए कौन सा है? हेटरोकैटालिटिक फंक्शन. देन सेकेंड बी दैट इज द ऑटो कैटालिटिक फंक्शन. अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैकेनिज्म, DNA सिंथेसिस के मैकेनिज्म के बेसिस पे यहाँ पे DNA रिप्लिकेट कैसे होता है, ये फर्स्ट टाइम वॉटसन एंड क्रिक ने ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है. कहाँ पे एक्सप्लेन किया है? सेल साइकिल. व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन लास्ट ईयर. सेल साइकिल हमने देखा है, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस ओनली वन इन द सेल साइकिल, इट ऑकर इन एस फेज ऑफ इंटरफेज. हमने सेल साइकिल पढ़ा है, बराबर. यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, बाद में एम फेज, माइटोटिक फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बराबर. और यहां से लेके कंप्लीट ये साइकिल जो कहां पे है, ये इंटरफेज, बराबर. ये ड्यूरेशन कौन सा है? इंटरफेज. और रेस्टिंग पीरियड भी कह सकती है. अब इंटरफेज में क्या होता है? फर्स्ट जीवन, फर्स्ट ग्रोथ फेज, देन एस, देन जी. एस मतलब सिंथेसिस. इस फेज के वक्त सेल साइकिल के, इस फेज के वक्त सेल साइकिल मतलब सीक्वेंशियल इवेंट ऑकर इन डिवाइडिंग सेल इज नोन एज सेल साइकिल. इस सिंथेसिस फेज के वक्त हमने क्या देखा है? ये जो DNA है ये रिप्लिकेट होता है. मतलब DNA की क्वांटिटी इनिशियल कंडीशन में 2C है तो बाद में क्या होगी? 4C. ड्यूरिंग टाइम ऑफ सिंथेसिस, S स्टैंड फॉर सिंथेसिस, रिप्लिकेशन ऑफ DNA और सिंथेसिस ऑफ DNA. DNA डबलिंग यहाँ पे होता है. मतलब पोटेंशियल एबिलिटी है DNA में कि वो रिप्लिकेट हो सकता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है. ये किसने एक्सप्लेन किया है? That process explained by the successfully introduced किया था किसने? Watson and Crick ने. Watson और Crick ने DNA double helix structure भी यहाँ पे explain किया था. DNA is always double stranded और double helix manner में DNA का structure present होता है, ये उन्होंने explain किया successfully. अब यहाँ पे Watson और Crick ने क्या explain किया?
डीएनए स्ट्रैंड डीएनए डबल हेलिक्स मैनर में होता है, बराबर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटी पैरेलल होता है। अब यहां पर उन्होंने ये भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है कि डीएनए रिप्लिकेट होता है, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बाकी फर्दर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस की सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। देखो पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपकी किताब में एग्जाम्पल भी दी है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया है वॉटसन एंड रिक, इसने यहाँ पे इन दोनों साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट टाइम रिप्लिकेशन कैसे होता है ये ओवरऑल वहां पे बताया, लेकिन सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन अदर साइंटिस्ट ने। अब यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन में फर्स्ट पार्ट आता है सेल साइकिल, ये सेल साइकिल हमने देखा, सेल साइकिल में कौन से इवेंट में डीएनए रिप्लिकेशन होता है लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था। देन उसके बाद यहाँ पे जो हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं डीएनए कैसे होता है डबल स्ट्रैंडेड। अब माइंडली ऑब्जर्व करो डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, ये देखो यहां ये एक स्ट्रैंड ये सेकेंड स्ट्रैंड, बराबर लास्ट ईयर हमने पढ़ा है डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। अगर हम देखते हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, देखो डीएनए का स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व करते हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, बराबर ये एक स्ट्रैंड इस मैनर में और सेकंड स्ट्रैंड ये सेकंड स्ट्रैंड। अब एक स्ट्रैंड अगर थ्री प्राइम से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट हुआ है ये थ्री प्राइम से, देखो यहां ये स्ट्रैंड कहां से फॉर्म हुआ है थ्री प्राइम से स्टार्ट हुआ है, बराबर। तो सेकंड स्ट्रैंड जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, वो एंटी पैरेलल हम बोलते दैट इज द, ये जो स्ट्रैंड है ये फाइव प्राइम से स्टार्ट, कहां से फाइव प्राइम से, मतलब दोनों अगर सेपरेट करेंगे तो इस तरह दिखेगा, एक स्ट्रैंड थ्री प्राइम से स्टार्ट होता है सेकंड फाइव प्राइम से, और यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ थ्री प्राइम से उसे एंड कहां से होता है फाइव प्राइम और ये थ्री, मतलब हमेशा ये एंटी पैरेलल फॉर्मेट में होता है। थ्री प्राइम मतलब यहाँ पे क्या होगा एंड पे कौन सा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा ओएच ग्रुप यहाँ पे होता है थ्री प्राइम, और फाइव प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप पे अटैच होता है, ये हम देखने वाले हैं। अब यहां पे देखो ये एक क्या हो रहा है स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड है एंटी पैरेलल है लेकिन हेलिक्स मैनर में ये स्ट्रेट दिख रहा है, बराबर ये इमेज जो है ए की ये कैसे दिख रही है स्ट्रेट, सेकंड इमेज कैसे दिख रही है यहां पे बी की यहां पे हेलिक्स मैनर में दिख रहा है, हेलिक्स मतलब ये कॉइल्ड मैनर में दिख रहा है, बराबर लैडर लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिख रहा है, दैट्स व्हाई इज नोन एज डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स मैनर में इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फाइव प्राइम और यहाँ पे थ्री प्राइम ये एंटी पैरेलल मैनर में यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जब डीएनए का स्टैंड देखते हैं बेसिकली हमने स्टैंड देखा है डबल स्टैंडर्ड होता है एंटी पैरेलल होता है, देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा हाईली कॉइल्ड मैनर में होता है दैट इज द हेलिक्स मैनर में ये प्रेजेंट, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप नॉच है वो भी हमने देखा, द डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स और डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे कितना होता है 0.34, बराबर 0.34 यहाँ पे अगर हम देखेंगे एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में देखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में 3.4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट कितना होगा यहाँ पे 3.4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए का स्ट्रैंड बेसिकली डीएनए विच इज मेड अप ऑफ, डीएनए कैसे फॉर्म होता है पहले हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा तभी ये हमें समझ में आता है अदरवाइज नहीं है। अब डीएनए का स्ट्रैंड अगर हम देखते हैं तो कैसे होता है डबल हेलिक्स मैनर में होता है, ये देखो यहाँ पे आपके आंखों के आगे ये इमेज है, अब इस इमेज में देखो इमेज में जब देखते हैं तब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आता है। अब डीएनए बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर ऑफ डीएनए इज नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर क्या है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, बराबर डीएनए पजेस डिफरेंट और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, ये देखो ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज क्यों बोला है पांच कार्बन है एक दो तीन चार पांच, फोर रिंग के अंदर है और एक रिंग के बाहर है, बराबर ये पेंटोज शुगर, देन दैट पेंटोज शुगर अटैच विथ नाइट्रोजन बेस, दैट पेंटोज शुगर अटैच विथ नाइट्रोजन बेस एंड नेक्स्ट
दैट पेंटोज शुगर मतलब फिफ्थ कार्बन पे क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है और इसका चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज, इसी वजह से डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, मतलब निगेटिवली मतलब उसके ऊपर पैकेजिंग में हमने देखा है निगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, मतलब डीएनए बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ चैन ऑफ पॉलीपेप्टाइड मतलब चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बराबर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स, अगर यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, तब जाके वहां पे क्या होता है, इस वजह से पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन, दैट पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन इज नोन एज डीएनए और आरएनए, उसे हम डीएनए या आरएनए कह सकते हैं। अब यहाँ पे पेंटोज शुगर है तो उसे क्या बोलेंगे हम, डीएनए, मतलब डीएनए बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड विच इज मेड अप ऑफ थ्री कंपाउंड, फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ये देखो हमने ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा है, अब देखो काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे अटैच होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से वो अटैच होते हैं, अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, देन सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में मतलब जो एक फर्स्ट नंबर का न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ सेकेंड नंबर का न्यूक्लियोटाइड अटैच है, लेकिन किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देन ये एक स्ट्रैंड हो गया, एक स्ट्रैंड देखो यहाँ पे पी फॉस्फेट एंड है तो उसे बोलेंगे हम फाइव प्राइम, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का, और यहाँ पे देखो एंड जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, OH, ये थर्ड कार्बन पे एंड हो रहा है, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड कार्बन पे इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं थ्री प्राइम। अब इसके अपोजिट देखो ये एक स्टैंड, ये फर्स्ट स्टैंड सेकंड स्टैंड के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन, मतलब एक नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं पेंटोज, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस सेकेंड स्टैंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस कौन सा होगा, अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं एडिनिन अगर देखते हैं ये न्यू नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ टू टाइप प्यूरिन एंड पाइरिन, ये डबल रिंग और डबल रिंग कंपाउंड और सिंगल रिंग कंपाउंड होता है प्यूरिन एंड पाइरिन, अब इसका रेशियो हमेशा क्या होगा 1:1, प्यूरिन और पाइरिमिडिन का रेशियो हमेशा क्या होता है 1:1, मतलब यहाँ पे अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस है तो यहाँ पे भी सेकेंड स्टैंड भी एक ही कॉम्प्लीमेंट्री होगी, दूसरा यहाँ पे 2:1 या 1:2 ऐसा रेशियो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस कैसे होगा, यहाँ पे ये स्टैंड माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, ए है एडिनिन, ये ऑलवेज पेयर विद थायमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके साथ पेयर होते हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, एक प्यूरिन का एक पाइरिमिडिन, उसके बाद गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, पहले स्ट्रक्चर हमने देखा है बस रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ पे डीएनए एग्जैक्ट है, जब डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस होगी तब यहाँ पे हमें ये समझना है वहां पे प्रोसेस किस वे से होती है कैसे होती है हमें देखना है, और ये पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हाउ डीएनए रिप्लिकेट।